हेलो गाइस, अब देखो ये शेयर 1 रुपए वाला शेयर देखते देखते 10 रुपए 55 पैसे का हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड शेयर है और इसमें LIC की भी होल्डिंग है। अब ये शेयर कितना सेफ है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि बढ़ भी गया होगा तो भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे रनअवे गैप बन चुके हैं। और इसमें इन्वेस्ट अब किया तो क्या करना चाहिए, कैसे, अगर आगे इसका फ्यूचर हो सकता है क्या, वो सब बातें हम इस वीडियो में देखने वाले। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखो, कंपनी का नाम है ओरिएंट ग्रीन पावर। ग्रीन पावर नाम से इसका सिंबल है। फिलहाल ये कंपनी एसएम लिस्ट में आपको देखने मिलेगी, क्योंकि जब 1-1.5 रुपए वाला शेयर 10 रुपए हो जाता है तो कंपनी एसएम लिस्ट में तो आती ही आती है। कंपनी का अगर ऑफिशियल वेबसाइट हम जाते हैं तो उस पर हमने देखने मिलेगा कि ये जो विंड टर्बाइन्स होते हैं ये बनाने का काम कंपनी का है, ग्रीन पावर से रिलेटेड कंपनी ओरिएंट ग्रीन पावर। एंड अगर इनके बिजनेस सेगमेंट अगर देखा जाए तो ये टोटली विंड पावर पे काम करती है। हेडक्वार्टर इनका चेन्नई में है। ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी इज प्रमोटेड बाय SVL विथ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बेसेमर वेंचर पार्टनर्स ऑफ US एंड ओलंपस कैपिटल सिंगापुर। तो देखो इनमें इन्वेस्टमेंट किसने किसने किया है, बेसेमर वेंचर पार्टनर ऑफ US एंड ओलंपस कैपिटल होल्डिंग सिंगापुर फॉर क्रिएशन एंड ओनरशिप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स इन इंडिया एंड ओवरसीज। तो इसमें क्या समझता है, इंडिया में भी इनका बिजनेस है एंड ओवरसीज भी इनका बिजनेस है इंडिया के बाहर। करंटली इनकी जो एनर्जी है वो 424.63 मेगावाट थ्रू विंड पावर ये जनरेट कर रही, और कंपनी का प्लान है टू इंक्रीज इट टू ओवर 1000 मेगावाट। तो मेगावाट बोल सकती है इसे, मेगावाट करने का इनका टारगेट है। तो मतलब अभी 424 है, यहाँ से डबल जाने, डबल से भी आगे इंक्रीज करने का इनका प्लान है ओवरऑल। तो मुझे तो ये कंपनी ये लेवल पे भी बहुत बढ़िया लगती है। आप इस पे स्टडी कर सकते हो, आगे हम फंडामेंटल तो इसके देखेंगे। अब इनके जो इन्वेस्टर, इनका तो मैंने आपको बता दिया। अभी इनका जो, ये तो कुछ प्रॉपर नहीं लग रहा, पर आगे हम देखेंगे इन्वेस्टर कौन कौन से इनमें। इन्वेस्टर में वही नाम है, US एंड सिंगापुर वाले। अब कंपनी के बारे में हम देखेंगे, 790 करोड़ का मार्केट कैप। मार्केट कैप अगर पेनी शेयर की बात की जाए तो पेनी शेयर क्या, अच्छे अच्छे शेयर की मार्केट कैप होती है 150-200 करोड़। जैसे एक एड शॉप रिटेल ASRL कंपनी है, उसका मार्केट कैप कुछ 200-250 करोड़ के आसपास है। ये पेनी शेयर 10 रुपए का और इसकी मार्केट कैप ऑलमोस्ट 800 करोड़, पकड़ लो 800 करोड़ की। ये कंपनी फेस वैल्यू 10 की है। ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ पावर जनरेशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबल सोर्सेस। रिन्यूएबल सोर्सेस से पावर जनरेशन का है ROC 4%। अब फिलहाल तो ये कंपनी अपने 50 और 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रही। ये जितनी चीजें देखी वो सब पॉजिटिव थी। अब हम थोड़ी सी नेगेटिव चीजें देखेंगे। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ, -2.79% ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ पुअर है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, नेगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी, -5.55% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। और कंपनी के डेबिटर डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 120 टू 146 डेज। तो ये भी कंपनी के नेगेटिव में जाएगा। अब इनका पी तो कुछ मेंशन किया नहीं है, पर क्वार्टरली देखते, क्वार्टरली क्या कर रही कंपनी। तो क्वार्टरली कंपनी में परफॉर्म करती दिख रही। सेल्स देखो 49 से 38 75, और सितंबर क्वार्टर में ये जो अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ, इसके पीछे का रीजन है ये सेल्स इंक्रीज हुए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, 10 करोड़ से 54 करोड़, 54 करोड़ से सीधा 86 करोड़। तो यहाँ हमें प्रॉफिट दिख रहा, जहां मार्च 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में था, सितंबर में कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव 62 करोड़ पे आता है।
नेगेटिव 43 करोड़ से पॉजिटिव 62 करोड़, मतलब बहुत ज्यादा जंप देखने मिल रहा है आपको प्रॉफिट में। बैलेंस शीट में रिजर्व्स -232, कर्जा 1255। तो ये एक बात, सबसे खतरनाक बात यही होगी कि रिजर्व ही आपके नेगेटिव में है, ऊपर से आपके पास बोरोइंग 1255 करोड़ की है। ये हो गया नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव नहीं, ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया है। कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज 5 करोड़ के, ये पॉजिटिव में जाता है। पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हो आप, प्रमोटर 48.73% होल्ड करते हैं। इन्होंने कंटिन्यू अपनी होल्डिंग 2018 से, अगर आप देख रहे हो 2018 से, 48.73% की ही होल्डिंग इन्होंने रखी है। FIIs इसमें कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। 2.32 थी FIIs की होल्डिंग, फिर 2.05 कर दी इन्होंने 2020 में, 1.67, देन 1.60, और जून क्वार्टर में 0 इनकी FIIs होल्डिंग है। और अगर DIIs की बात करें तो DIIs के पास 7.23 था, वो 6.94, 6.12, और 2 मार्च क्वार्टर से इन्होंने अपनी हिस्सेदारी नहीं घटाई है, 6.10 ही रखी है। अब ये जो इनकी हिस्सेदारी बढ़ा कौन रहा है? FIIs अगर बेच रहे, DIIs ने बेचा, ये खरीदा पब्लिक ने 41.72, 42, 43, 43.57, 40, और यहाँ पे 45% कर लिया पब्लिक ने। तो यहाँ पे पब्लिक ने बढ़ा। अब DIIs जो है, इनमें से सबसे ज्यादा है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC ने इसमें 2% हिस्सेदारी, 2.65%, जो मैंने बोला था LIC के पास हिस्सेदारी है, तो LIC ने होल्ड किया है 2.65। इडलवाइज स्पेशलिटी अपॉर्चुनिटी फंड ने 1.62%। श्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंस लिमिटेड ने 1.46। IDBI बैंक के पास था पर उन्होंने बेच दिया। तो ये है ओवरऑल पैटर्न कंपनी के, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, LIC के पास 2.65% शेयर से। अब कंपनी का अगर देखा जाए स्ट्रक्चर, तो आगे अभी इनके टारगेट क्या बन सकते हैं वो हम देखेंगे। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल देखो, यही लेवल इंपॉर्टेंट है, 11 रुपए 61 पैसे का। अगर 11 रुपए 61 पैसे निकलता है तो इसमें तेजी होगी, पर सबसे पहले तो इसे यही लेवल निकलना है, 11 रुपए। 12 रुपए के बाद इसमें तेजी होगी, और पहला टारगेट हम रख सकते हैं इसमें आराम से, वो है 17 रुपए 35 पैसे का। 17 रुपए 35 पैसे निकलने के बाद इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 19 रुपए 96 पैसे। 19 रुपए निकलने के बाद ये जाएगा ये लेवल तक सीधा, देख सकते हो 28 रुपए। 28 रुपए के, 28 रुपए अगर निकल गया तो कंपनी कंटिन्यूअसली 47 तक जाएगी। तो ये जो टारगेट है, ये आपको नोट करके रखने में जो जो बोले हैं, और इस टारगेट के आसपास अगर रिस्क नहीं लेनी, प्रॉफिट होगा तो एग्जिट कर सकते हो या होल्ड भी कर सकते हो।